वीडियो सारे लोगों को देखना चाहिए और खास तौर से जो लोग इटली आ रहे हैं या विदेश आकर पैसा कमाना चाहते हैं। वीडियो के जो ये पार्ट है इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन भी दूंगा कि भाई आप लोग जब इटली आए तो ये काम जरूर करना। ऐसी न्यूज आती है कि किसी न किसी इंडियन भाई की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं जो 5-7 दिन पहले एक इंडियन भाई के साथ जो घटना हुई ना उसको लेकर इटली में काफी ज्यादा आक्रोश है। सतनाम सिंह और नाम के नाम बिजोन्या डिमेंटिकारे। इटली में क्या जिस भाई ने भी या दुनिया में किसी भी आदमी ने ये घटना सुनी ना उसके बाद में वो वहां पर ही भाई सन रह गया। सतनाम सिंह एन इंडियन फार्म लेबरर वर्किंग इन इटली डाइड ऑन वेंसडे। He was left by the road following an accident that severed his arm. क्योंकि ऐसी घटनाएं है ना वो बहुत कम सुनने को मिलती है और इटली जैसे देश है ना वहाँ पर तो भाई ना के बराबर ऐसी घटनाएं होती हैं। मौत दी सतनाम सिंह। तो जो लोग मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि कोई अपडेट होगी तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अभी भी सीजन वाले डॉक्यूमेंट की सेकेंड जो लिस्ट है उसका कोई भी अपडेट नहीं आया है और फुल जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं कहीं पे इक्के दुक्के बंट रहे हैं। लेकिन भाई मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट है ना वो एकदम पूरा जांच पड़ताल करने के बाद अब ये डॉक्यूमेंट दे रही है। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट का इंतजार है तो भाई उन लोगों को मैं बता दूंगी अपॉइंटमेंट है ना वो अभी नहीं मिल रहे हैं, अभी साइट बंद आ रही है। जब होगी, जब ओपन होगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल आज का वीडियो मेरा बनाने का मतलब या मकसद यही है कि भाई सतनाम सिंह को श्रद्धांजलि दूं और सारे लोगों को बताऊं कि ये इटली में 5-7 दिन पहले क्या घटना हुई थी। वैसे आप में से काफी लोगों को पता, लोगों को नहीं पता है कि इटली में पिछले 5-7 दिनों से क्या चल रहा है। तो मैं बता दूं कि इटली में एक इंडियन भाई था जिसका नाम सतनाम सिंह था। Satnam Singh è un nome che non bisogna dimenticare perché non è morto in un incidente sul lavoro, è stato ucciso dallo sfruttamento, è stato ucciso. एक इटली के लतीना शहर में काम करता था और इटली का जो लतीना सिटी है ना वहाँ पर भाई काफी इंडियन रहते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम है ना वो सबसे ज्यादा होता है। तो वो एक खेत में काम कर रहा था और उसके साथ एक घटना हुई। वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है लेकिन वो घटना होने के बाद जो उस भाई के साथ हुआ ना वो भाई बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाला वाक्य था। क्योंकि वो भाई जब घास काटने वाली मशीन को चला रहा था तो उसका एक हाथ ना वो घास काटने वाली मशीन के अंदर आ गया और जब उसका हाथ ना वो धड़ से अलग हो गया तो भाई उसके बाद में उसकी वाइफ है ना उसने काफी ज्यादा शोर किया। तो भाई उस फार्म का जो मालिक है ना उसका बेटा आया और उसके बेटे ने जब देखा उसका हाथ कटा हुआ तो भाई उसके बाद में उसके बेटे को जो करना चाहिए ना वो ना करके उसके बेटे ने जो किया ना उसको दुनिया में ये एक बड़ी न्यूज बनकर रह गई और हर आदमी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है वो भी अपने फार्म को बचाने के लिए। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सतनाम सिंह था उसका कॉन्ट्रैक्ट उस इटालियन के साथ था नहीं, वो नेरो में काम कर रहे थे। क्योंकि इटली में है ना क्या प्रोसेस है ना कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं ना तो भाई सरकार को टैक्स जाता है और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी सहूलियत यहाँ पर मिलती है। कहने का मतलब जो भी बेनिफिट्स होते हैं ना सरकार की तरफ से वो सारे मिलती है। लेकिन लोग ऐसे हैं जो इटली में आकर भाई ऐसे नेरो में काम करते हैं क्योंकि या तो डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या किसी लालच की वजह से या भाई मजबूरी भी कई बार हो जाती है कि भाई ऐसे हमें काम करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब उस मालिक के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उस मालिक के बेटे ने सोचा होगा कि भाई हमारे फार्म के ऊपर आंच आएगी तो उसने उस सतनाम को और सतनाम की जो वाइफ है ना उनको एक फोरगोन में डाला। इटली में फोरगोन जो हमारे गाँव में वेन आती है ना वैसी गाड़ी होती है उसको फोरगोन बोलते हैं। तो भाई उस फोरगोन में उन दोनों को डाल के और उसका जो कटा हुआ हाथ था ना जो अलग था उसको एक कैसेट जो आप कैरेट भी बोल सकते हैं जो फ्रूटों की होती है ना उसमें डालकर उस हाथ को और सतनाम का जो घर है ना उसके आगे पटक कर भाई ऐसे ही भाग गया। कहने का मतलब उसने उनसे पीछा छुड़ा लिया जहां पर उस मालिक के बेटे को भाई एम्बुलेंस को कॉल करना था। और इटली में क्या सिस्टम है ना कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है ना जो कि काफी सीरियस हो तो वहां पर भाई एम्बुलेंस से जो हेलीकॉप्टर है ना वो 5 मिनट में आ जाता है क्योंकि आसपास की जो हॉस्पिटल है उनमें हेलीकॉप्टर दिया हुआ होता है जो भी यहाँ पर जिला है वहाँ पर। तो भाई 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आ सकता था लेकिन भाई जो मालिक के बेटे ने उनके साथ किया ना वो काफ़ी ज़्यादा गलत किया। उसके बाद में जो सतनाम की बीवी थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर किया तो भाई वो जो पड़ोसी थे वो भाग कर आए और भाग कर आने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस 5 मिनट में भाई हेलीकॉप्टर आ गया और उसके बाद में सतनाम की जो शरीर है उसको जैसे तैसे हेलीकॉप्टर में डालकर रोम शहर ले जाया गया। लेकिन भाई 2 दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए सतनाम के 3रे दिन मौत हो गई और जब उसकी जान चली गई तो उसके बाद तक भाई प्रधान
प्रधानमंत्री का कोई भी, यहाँ इटालियन प्रधानमंत्री है जिसका बयान नहीं आया था, लेकिन उसके बाद में दो दिन पहले इटली की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो बयान दिया। Parlo dell'orribile disumana morte di Satnam Singh, 31enne bracciante che veniva dall'India. उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये जो घटना हुई है जो सतनाम सिंह के साथ, वो भाई बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली, और जहाँ पर इंसान बोलते हैं कि भाई हम एक दूसरे के काम आते हैं, हम इंसान तो क्या पता कहाँ पर पहुँच गए, लेकिन ये जो घटना हुई है उससे पूरी इटली भी शर्मसार हुई है, उसके साथ साथ मानवता को भी काफ़ी शर्मसार करने वाली ये घटना थी। तो प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बताया कि भाई इस घटना के ऊपर जो भी हम से बन पड़ता है, कहने का मतलब चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो कार्रवाई की बात हो, चाहे वो फर्म के जो मालिक है उन पे कार्रवाई की बात हो, सारी कुछ से हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जितनी हो सके उतनी सतनाम और सतनाम के परिवार को हेल्प करेंगे। जब प्रधानमंत्री ये भाषण दे रही थी तो भाई प्रधानमंत्री का जो गला था ना वो मेरी तरह काफी ज्यादा मतलब ऐसे भारी भारी था। और भाई जब हमने ये एक इंडियन होने के नाते जब न्यूज़ सुनी तो भाई काफ़ी ज़्यादा सन रह गए, और उसके बाद में भाई जब भी यहाँ पर इटली में किसी भी भाई के साथ गलत होता है तो भाई हम सारे इंडियन लोग हैं ना वो चंदा इकट्ठा करके उसकी और उसकी फैमिली को भाई हेल्प करते हैं। तो देखते हैं कोई भाई यदि चंदा इकट्ठा करेगा उसके जो जानकार, तो भाई हमसे हम संपर्क कर लेना, हम यहाँ पर इंडियन है ना वो 8-10 इंडियन रहते हैं, तो हमसे जो भी बन पड़ता है भाई हमें जरूर करेंगे। आगे देखो इटली की प्रधानमंत्री या इटालियन गवर्नमेंट क्या करती है उसके बारे में देखने लायक है कि क्या हेल्प करती है, और इसको लेकर भाई हमारे सारे इंडियन भाई है ना वो जो लतीना हो चाहे रोम हो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रही है। उसके साथ साथ जो इटली की एजेंसियाँ हैं जो कि भाई मजदूर यूनियन है वो, और जो इटालियन लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रही है। गवर्नमेंट से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और जो विपक्ष है वो भी काफी ज्यादा संसद में हंगामा कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा भाई ये चर्चा का विषय रहा है इन 5-7 दिनों में इटली में। उसके बाद में भाई एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है जो कि एक और इंडियन भाई की जान चली गई। वैसे ये न्यूज़ है ना हर साल आती रहती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर इटली में गर्मी आती है ना तो ये न्यूज़ एक दो ऐसी न्यूज़ आई जाती है कि भाई किसी इंडियन भाई की पानी में डूबने से मौत हो गई। जो भी भाई इंडिया से इटली आ रहा है या भाई जो इटली में रह रहे हैं और अभी समुद्र पे नहाने की जाने की सोच रहे हैं कि भाई समुद्र पे मस्ती करके आएंगे, तो भाई आप लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि हर साल ऐसी न्यूज़ आती है कि किसी ना किसी इंडियन भाई की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। तो भाई जब आपको ये पता चल जाता है कि भाई हमारी कैपेसिटी इतने तक ही है तो भाई इतने तक ना नाओ, क्योंकि भाई समुद्र अपनी तरफ ना वो उसकी जो लहरें होती है ना वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, कहने का मतलब वो अपनी तरफ खींचती है, और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। लेकिन भाई आप लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि भाई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे पीछे भाई परिवार है, हम यहाँ पर मस्ती करने के लिए थोड़ी आए हैं। तो भाई आप लोग अपना ध्यान रखो, और जब भी जाओ दोस्तों के साथ, कोई भी अपना दोस्त बोले कि भाई पीछे आ जाओ हम इतने तक क्या डर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या डरना है यार, आ जा पीछे आ जा, इतने तक क्या नहा रहा है, इतने तक तो कम से कम नहीं भाई नहीं नहाना है, इतने तक पानी आ जाए बस, क्योंकि पानी के साथ भाई पानी हो चाहे आग हो हवा हो इनके साथ भाई खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। वैसे आप लोग सारे समझदार हैं यहाँ पर आते हैं, लेकिन भाई ये जो घटनाएं होती है ना ये 20 से लेकर 27 साल के जो उम्र के युवा है ना उनके साथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जो भी भाई युवा है जोश में भाई ऐसा काम ना करें, क्योंकि पीछे परिवार है। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो भी इंडियन भाई मेरा ये वीडियो देखें कम से कम इन बातों का ध्यान रखें कि भाई जब भी इटली में आए तो मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम करें, ताकि आपको वो सारे इटली में बेनिफिट्स मिल सकें, उसके बाद में आप एक लीगल प्रोसेस में काम कर सकें जिसके तहत मालिक भाई दबाव में रहता है। यदि आप मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ना काम करते हैं तो भाई आपका मालिक आपके साथ ही काफ़ी ज़्यादा शोषण भी करता है, जैसा कि कई देश ये जो कई राज्य हैं इनमें सुनने को मिलता है, जैसे नापोली सिटी है, लेचे सिटी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कारोबार होता है, तो भाई वहाँ पर युवा लोगों के साथ या हमारे इंडियन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है। भाई आप लोग जब भी इटली आए तो ये जो समुद्र वाली घटनाएं हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे। जो भी मेरा भाई यदि एक भी वीडियो देख के अपने सीख ले लेंगे भाई हमें समुद्र पे जब भी जाएं तो भाई इतना पानी हो गया, कहने का मतलब चेस्ट तक पानी आ गया, तो भाई इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा।
तो भाई इस तरीके से आप अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाकी जब भी कोई इटली की नई अपडेट होगी तो भाई मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, आपका जो भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना और आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक नई अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मेरी जो सतनाम है और जो एक और जो इंडियन भाई दीपकरण था जिसकी भाई ये जो मौत हो गई, दीपकरण की भाई मैं आपको बता दूं कि उम्र 23 साल थी और ये जो सतनाम थे इनकी उम्र 31 साल थी। तो भाई दोनों युवा थे, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, हमारी यही सहानुभूति है उनके परिवार के साथ। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। राम राम।